हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिया हुआ कि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तीन ट्रिक्स ऐसी लेके आ चुका हूँ। अगर आप इन तीन ट्रिक को अच्छे से आजमाते हो, मैं ये जो तीन तरीके बताने वाला हूँ अच्छे से देखते हो, ध्यान से करते हो, तो आप लोग गारंटेड आज की वीडियो में आप लोग क्रिकेट सीख जाने वाले हो। तो आप लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैंने आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी, अभी तक इतना ट्राई किया, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सीख पाए, और इस वीडियो में इतनी जल्दी कैसे सीख जाने हो। तो सबसे बड़ा कारण जो आज का होने वाला है वो है, मैं आज आप लोगों को गिनती के द्वारा और बोल के द्वारा दोनों से क्रिकेट सिखाने वाला हूं। मतलब एक दो तीन करके भी क्रिकेट सीख सकते हो आप लोग। बहुत लोगों ने बोला होगा कि केवल गिनती से एक दो पैटर्न आप सीख सकते हो, क्रिकेट तो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि एक दो तीन से आज मैं आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक की क्रिकेट सिखाऊंगा और जल्दी सीख जाओ। और ये सारी चीजें मैंने जो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना, वीडियो कॉल के द्वारा जो वीडियो कॉल से ऐसे करके सीखते हैं मेरे से, उन लोगों को भी मैं ये ट्रिक आजमाया हूं और 100% वो लोग भी क्रिकेट सीखे और बहुत अच्छी बजाते हैं। और उन लोगों की मैंने वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड करके आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। तीन ट्रिक है, पहले ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख लेते हैं तो फटाक से, वैसे इतना कठिन नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं आप लोग को नॉर्मल क्रिकेट नहीं देने वाला हूं, बहुत जरूरी जरूरी और दमदार क्रिकेट देने वाला, थोड़ा बजा के मैं सुना दूं आप लोग को। देखिए, आप लोग बजाना सीखने वाले हो, तो ज्यादा देर ना करते हुए अपने पहले ट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं। पहला ट्रिक करना क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, चाटी साइड पे मैं पहले जैसे बताता हुआ आ रहा हूं ना, कि जैसे ढोलक का जो आधा है, बिल्कुल आधा पार्ट पकड़िए आप लोग, ठीक है, सेम उसी तरीके से उस आधे का भी आधा कर दीजिए। तो यहां पे आपका हाथ रहेगा, लेकिन ये हाथ कैसे रहेगा, नीचे की तीन उंगली रहेगी और ऊपर का जो एक दो तीन टिप है, खाली टिप टिप टच होगा और नीचे वाला भाग जो है ना, ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है, एक जहां पे एक मारे हो ना, वहीं पे दो मारना है, दो, फिर उसके बाद बेस पे तीन, पता है ना तीन कैसे मारते हैं, देखिए बीच में मारना है और हाथ देखिए मेरा ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे, ये हथेली टच नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, ये तीन है, बस मात्र ये तीन ही बोल है। अब इनको रिपीट करते जाइए, मेरे साथ करना है, जहां पे भी हाथ रख के कर सकते हो करो, घुटने पे रखना, घुटने पे करके रखो, आगे आगे नहीं बढ़ना है। देखिए, एक दो तीन, एक दो बोल क्या होगा, ती र क, ती र ती र क, ती र क। आप लोग विश्वास मानिएगा, जब ये फास्ट होगा ना तो आप ये क्रिकेट सुनने लायक होगी। देखिए, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। अब इससे आगे हम बोल नहीं पाएंगे, तो बिना बोले बजाना, थोड़ा थोड़ा आने लगा। देखिए, क्रिकेट का एक बड़ा छोटा सा भाग है, यही कितना तेज बजता है। आप लोगों को पता लग गया होगा कितना जरूरी पार्ट था क्रिकेट सीखने के लिए, बहुत जबरदस्त क्रिकेट है, कहीं पर गाना ऐसा चलता है। अब देखिए, छोटा सा पार्ट है और अभी शुरुआत है इस चीज की। अब देखिए, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आप लोगों को कितनी जबरदस्त क्रिकेट और जबरदस्त पार्ट बताने वाला हूं आप लोगों को। अब देखिए, एक दो तीन चार से तो आपने, एक दो तीन से तो मात्र तीन बोल से कौन सिखाता है क्रिकेट, मात्र ये तीन बोल। अगर आप कहीं किसी समाज में बैठे हैं ना, और मात्र इतनी सी चीज भी अगर आप बजा के सुना दोगे ना, तो आप लोग को समझ बैठेगा कि कुछ ना कुछ इसे आता है, कुछ ना कुछ ये बजा सकता है, ठीक है। तो ये दो चार चीजें हैं। अब आ जाइए दूसरी ट्रिक की तरफ, ये दूसरी ट्रिक इससे भी जबरदस्त है। करना क्या है, एक पहली उंगली से बिल्कुल किनारे पे, ऊपर का जो पहला ऊपर वाला कोने वाला भाग है ना, एक, फिर बेस के बिल्कुल सेंटर में बीच में दो, बताया था ना पिछली बार भी, एक दो, एक दो, इसको दो बार बजाना है, ठीक है, एक दो को दो बार बजाना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बोल से और दोनों तरीके से बता रहा हूं। देखो, एक दो, एक दो, ये दो बार बजाना है। फिर उसके बाद तीन किनारे पे, देखिए ज्यादा किनारे पे नहीं, ज्यादा अंदर भी नहीं, इन दोनों के बीच में, देखिए तीन, फिर उसके बाद चार, फिर उसके बाद बेस के बीच में पांच,
इसके बाद छह कर लोगे ना, फिर से देखो एक दो एक दो, फिर इसके बाद तीन चार पांच छह, क्लियर है ना। एक और ध्यान से देखना, एक दो एक दो तीन चार पांच छह। मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इधर से भी देख लो, एक किनारे पे फिर दो फिर एक फिर दो फिर उसके बाद तीन फिर उसके बाद चार फिर उसके बाद पांच फिर उसके बाद छह, क्लियर है ना। अब इसको बोल के दोबारा समझो, त क त प टी र टी ट, क्लियर है। त क त क टी र टी ट, उसी प्रकार से एक दो तीन चार पांच। अब इसको हम धीरे धीरे फास्ट करेंगे, देखिए एक दो तीन चार पांच छह, 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 एक दो तीन चार पांच छह। मैंने कहा था ना आप लोग को इसी प्रकार की मैं क्रिकेट आप लोग को सिखाने वाला हूं, और मात्र एक दो तीन चार पांच छह से आप लोग सीख गए, इससे आसान चीज कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा रियाज करने की जरूरत है। वीडियोस को देखिए, अच्छे से रिविजन कीजिए, हाथ को तैयार कीजिए, तब जाकर तैयार होगा, ठीक है। तो अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ और सबसे जरूरी ट्रिक की तरफ। अगर आपने ये सीख लिया तो बाकी के दो नीचे के ट्रिक है ना, इन दोनों को नहीं भी सीखोगे ना, तो इसको सीख लोगे तो सारा काम बराबर हो जाएगा आप लोग को। वो ट्रिक करना क्या है, उसके अंदर बड़ा ही आसान चीज है, बोल है एक, कर लोगे जैसे होता है ना, यहां सेंटर में देखो, सेंटर से थोड़ा सा पीछे, एक दो तीन चार पांच, बोल से भी बताऊंगा, पहले एक दो तीन चार से समझ लो। देखो एक दो कर लोगे, फिर तीन फिर चार फिर ये पांच, काम खत्म। फिर से ध्यान से देखना, अगर ये पहला एक दो तीन चार पांच सीख जाओ ना, तो बाकी के जो इसके पार्ट है ना, इसी के तरीके से बजने वाले। देखो एक दो तीन चार पांच, अब इसको दो बार बजाना है, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ध्यान से सुनना, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, फिर उसके बाद चार तक ही बोलना है। तीसरा लाइन क्या है, एक दो तीन चार, काम हो गया। मतलब एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक जैसा, फिर वही लाइन एक दो तीन चार, बस चार तक रोक दो। देखो एक दो तीन चार पांच, फिर से देखो एक दो तीन चार पांच, फिर उसके बाद एक दो तीन चार। अब ये बोल से बोलो के द्वारा समझ लो, बहुत जबरदस्त क्रिकेट होने वाली है, विश्वास मानिएगा आप लोग। देखिए ती र ती त ता, फिर ती र ती त ता, फिर उसके बाद ती र ट। अब देखिए धीरे धीरे, अब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या जबरदस्त क्रिकेट निकल के आने वाला है। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, अब इसको धीरे धीरे करेंगे। अब इसके आगे तेज बोलना मुमकिन नहीं है, तो बिना बोले बजाएंगे। देखो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, तीर की टिता तीर की टिता तीर की। अब धीरे धीरे स्पीड होगा तो कितना देखे अच्छा लगेगा, तीर की टिता तीर की टिता। बोलना मुमकिन नहीं है तो मन मन में बोलिए, गाने में कैसे लगेगा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो, ये गाने के बीच में बहुत अच्छा लगेगा। मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटें थी जो मैंने आप लोग को सिखाने के लिए तैयार की थी। और अच्छे से रियाज कीजिएगा, अगर मात्र ये तीन चीजों का डेली बेसिस पर रियाज करते हो तो ये क्रिकेट तो छोड़ ही दीजिए। अगर ये कर लिए तो बाकी की जितनी भी क्रिकेटें ना इससे नीचे ही आती हैं, इससे ऊपर नहीं आएंगी, इससे नीचे ही आएंगी। इसे सीख लो फिर बाकी की क्रिकेटों पर थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे ना वो क्रिकेट बड़ी चुटकियों में हो जाने वाली है। तो अच्छे से रियाज कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी।